हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है, जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंपलीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक की वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो, अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स डू टुडेस टॉपिक, OSI रेफरेंस मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जब हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं या वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तब उसमें कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होता है, उसमें कितने लेयर होते हैं, यह सारी चीज़ें OSI रेफरेंस मॉडल हैंडल करता है। वो हमें एक मॉडल दिखाता है जिस मॉडल को यूज़ करके हमारे पूरे सिस्टम में डेटा कम्युनिकेशन होता है। लेट्स सी, वो OSI रेफरेंस मॉडल के मेनली सेवन लेयर है। लेट्स सी, वन सेवन लेयर, दिस आर द मेन सेवन लेयर ऑफ OSI मॉडल। फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। हर एक लेवल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन और उसके साथ साथ डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। हर एक लेवल लेयर में डिफरेंट फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। लेट्स सी, फर्स्ट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर OSI मॉडल का सबसे लोएस्ट लेयर है, जिसमें जो कि डिवाइस का फिजिकल कनेक्शन ऑक्यूपाइड करता है। फिजिकल लेयर में जब भी डेटा ट्रांसफर होते हैं तो वो बिट के फॉर्म में होते हैं। फिजिकल लेयर लोएस्ट लेवल है जिसमें डेटा ऑलवेज बिट में ट्रांसफर होता है। रिमेंबर, फंक्शन, फिजिकल लेयर मेनली बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, बट मेनली दो फंक्शन है, बिट रेट कंट्रोल एंड फिजिकल टोपोलॉजी। बिट रेट कंट्रोल का मीनिंग, जब भी फिजिकल लेयर में डेटा ट्रांसफर होता है तब वो एक ट्रांसमिशन रेट डिफाइन करता है। फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल लेयर फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए कौन सा डिवाइस कौन से नोड के साथ कैसे कनेक्टेड है, किस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, वो सारी टोपोलॉजी मीन्स के टोपोलॉजी। आई होप क्या है टोपोलॉजी आपको पता हो, अगर अभी तक नहीं पता तो उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज़ चेक इट। दो डिवाइस है वो कौन सी टोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें फिजिकल टोपोलॉजी का फिजिकल लेयर दिखाता है। नेट सी, डेटा लिंक लेयर। जब OSI रेफरेंस मॉडल में नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर होता है तब डेटा लिंक लेयर काम आता है। डेटा लिंक लेयर का मेन फंक्शन ये है कि एरर फ्री ट्रांसमिशन एंड फ्रेमिंग। जब डेटा लिंक लेयर में डेटा ट्रांसफर होता है तो वो फ्रेम के फॉर्म में होता है। जैसे फिजिकल लेवल में बिट, तो डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के तौर पर होता है। डेटा लिंक लेयर के मेन टू टाइप है, मीन्स के टू सब लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल ने मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल वो एक एड्रेसिंग जैसा वर्क करता है, वो फ्री ट्रांसमिशन फ्लो और ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। और मीडिया एक्सेस लेयर जो कि मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स सी उसके फंक्शन। उसके मेन फंक्शन है फिजिकल फ्रेमिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग। फ्रेमिंग में कि डेटा लिंक लेयर में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम होता है, मीन्स कि वो एक फ्रेम के तौर पर ट्रांसमिशन मोड प्रोवाइड करता है। मीन्स के डेटा लिंक लेयर में जब भी डेटा ट्रांसफर हो सेंडर टू रिसीवर, वो एक फ्रेम के फॉर्म में होता है। फिजिकल एड्रेसिंग, डेटा लिंक लेयर का जो भी फ्रेम है जो भी डेटा कंटेन करता है वो हमें फिजिकल लेयर फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। हर एक फ्रेम का हमें फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक प्रोवाइड करता है। जस्ट अ सेकंड, ये OSI रेफरेंस मॉडल है जिसमें फिजिकल लेयर सबसे लास्ट में और सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर जहाँ से डेटा पूरा फ्लो होता है। लेट्स सी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमें पूरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर कैसे करे उसका एक नेटवर्क या उसको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस यूज होता है जो सेंडर और रिसीवर का IP एड्रेस कंटेन करता है। नेटवर्क एड्रेस में ऑलवेज TCP/IP प्रोटोकॉल जैसे सारे प्रोटोकॉल इसमें यूज होते हैं। UDP/IP सारे डेटा ट्रांसफर, कनेक्शन लेस सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ये सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर में होती है। नेटवर्क लेयर के मेनली दो फंक्शन है, राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। राउटिंग मीन्स जब भी नेटवर्क लेयर में डेटा ट्रांसफर होता है तब वो IP एड्रेस का यूज़ करके उसके नियरेस्ट राउटर को डेटा पास ऑन करता है, उसे राउटिंग कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस, जो भी एड्रेस
डेटा लिंक लेयर ने जो भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है वो आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर के हेडर में प्रोवाइड करता है. सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेस आर प्लेस्ड इन द हेडर बाय द नेटवर्क लेयर. जो भी सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस है जो कि क्रिएट किया गया है वो नेटवर्क लेयर उसके हेडर में प्लेस करता है. ट्रांसपोर्ट लेयर वो पूरे जैसे नेटवर्क लेयर पूरे स्ट्रक्चर को या पूरे मॉडल को एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर में जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसको अकोलेजमेंट या अनअकोलेजमेंट या ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें हमें ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है. लेट्स सी उसके फंक्शन. सेगमेंट एंड सर्विस पॉइंट एड्रेस. सेगमेंट मीन्स जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा ट्रांसफर होता है तो वो डिफरेंट पार्ट में स्मॉलर यूनिट में डिवाइड होके होता है, इसीलिए उस हर एक यूनिट को सेगमेंट कहते हैं. सोर्स पॉइंट एड्रेस. द ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस इंक्लूड अ टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड सर्विस पॉइंट एड्रेस. ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में जो भी एड्रेस इंक्लूड होता है उसे सर्विस पॉइंट एड्रेस कहते हैं. सेशन लेयर. सेशन लेयर की मदद से हमें सेंडर टू रिसीवर को भी डेटा ट्रांसफर करना है तो उसमें तब कनेक्शन क्रिएट करना होता है तब सेशन लेयर का यूज होता है. सेशन लेयर ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. फंक्शन. फंक्शन में है सेशन इस्टेब्लिश मेंटेनेंस एंड ट्रांसमिशन. सेशन इस्टेब्लिश एंड मेंटेन मीन्स अगर सेशन में हमें कनेक्शन क्रिएट करना है तो वो कनेक्शन क्रिएट करके उसको मेंटेन करके उसमें डेटा ट्रांसफर कैसे होता है उसकी एक फंक्शन प्रोवाइड करता है. डिजिटल कंट्रोलर. द सेशन अलाउड टू सिस्टम टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विथ इच अदर. एक जब हमें कोई भी डिजिटल डेटा जैसे कि वीडियो ऑडियो कोई भी हाइपर मीडिया पास ऑन करना है तब हमें सेशन लेयर कनेक्शन क्रिएट करके या कनेक्शन क्रिएट किए बिना हमें वो डेटा ट्रांसफर करने की परमिशन देता है. प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेट के लेयर कहते हैं जो कि हमारे डेटा को मैनिपुलेट करता है और जिस नेटवर्क को जिस लेयर को जिस हिसाब से जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए उसको पास ऑन करता है. जैसे फिजिकल लेयर में हमने देखा डेटा बीट में ट्रांसफर होता है, डेटा लिंक लेयर में हमने देखा फ्रेम में होता है. वैसे फंक्शन. कंप्रेशन. रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स दैट नीड टू बी ट्रांसफर. मीन्स के एक्स्ट्रा जो भी बीट होते हैं उसको वो रिड्यूस करके सेंड करता है. ट्रांसलेट वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट में. जैसे कि फिजिकल लेयर को बीट में चाहिए और नेटवर्क लेयर को फ्रेम में चाहिए तो वो सॉरी डेटा लिंक लेयर को फ्रेम में चाहिए तो वो उसको इस हिसाब से ट्रांसलेट करके पास ऑन करता है. एप्लीकेशन लेयर. OSI लेवल का सबसे पहला लेयर मीन्स के OSI मॉडल स्टैक का वेरी टॉप लेयर. एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर इंप्लीमेंट होता है. एप्लीकेशन लेयर जो भी डेटा होता है वो पूरे नेटवर्क में सेंड करता है. उसकी मेन फंक्शन सर्विस है मेल सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट. SMTP प्रोटोकॉल का यूज करके मेल सर्विस है, डायरेक्टरी सर्विस है, वो सारी सर्विसेज हमें एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है. ये है, आई होप आपको ये डायग्राम याद हो. ये रहा जिसमें एप्लीकेशन लेयर टॉप ऑफ द स्टैक है. ये OSI मॉडल का स्टैक है जिसमें एप्लीकेशन लेयर टॉप ऑफ द स्टैक है. बाकी सारे लेयर फिजिकल लेयर सबसे बॉटम है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड लास्ट में आता है एप्लीकेशन. थैंक यू.